example 4. 2 forces F1 vector is equal to 3i cap plus 4j cap. 3i cap plus 4j cap and F2 vector is equal to 3j cap plus 4k cap. 3j cap plus 4k cap are acting simultaneously are acting simultaneously at a point धीरे आ रही है। मैं कह रही हूँ कि बीच बीच का बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या बताऊँ इसमें ये तो सही दिखा रहा है क्या? कनेक्ट कर रखा है, दोबारा कर लेता हूँ, रीकनेक्ट करके देख लेता हूँ। दोबारा से कनेक्ट करा है, शायद अब ठीक आ रहा हूँ। हाँ जी सर, बेटर। चलिए
अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 है क्या प्लस 4 जे क्या वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई क्या गई। हे भगवान, अब ओवरलोड है, ओवरलोड अंदर का तो ऐसे बंद है, देखते हैं इसको दोबारा। अब हमको क्या करना है,
कि एक नया वेक्टर निकालना है, वो कह रहे हैं ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, कह रहे हैं नया वेक्टर निकालना है कुछ इस तरह से कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो होना चाहिए ऐसा जो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो उसका डायरेक्शन है वो होना चाहिए ए वेक्टर वाला। उन्होंने बोला है ना पैरेलल टू ए वेक्टर, पैरेलल टू ए वेक्टर का मतलब क्या है कि आपको ए वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है वो जो नया वेक्टर आपको निकालना है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा बी वेक्टर। बस समझ गए। अब b इंटू a कैप
तो ये क्या हो जाएगा, डी तो हो गया 25 और ए कैप क्या हो गया डी आई कैप, बस 4j कैप अपॉन 5 5 5 5 5 25 The scalar or dot product of two vectors
A vector and B vector is defined as A vector and B vector is defined as the product of the magnitudes is defined as the product of the magnitudes of A vector and B vector, product of the magnitudes of A vector and B vector, A vector and B vector, and cosine of angle theta with them. बराबर वाली साइड होती है बेस, ठीक है। तो आर क्यू
ऑन पी आर। अब पी आर क्या है, मतलब आर से लेकर बी तक की लेंथ, इधर मैं बी वेक्टर दिखा रहा हूँ, तो ये वाली जो लेंथ है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि सिर्फ बी के बराबर। जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मैं ए वेक्टर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ वो ए के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड ए। जब ये लेंथ है ये ए के इक्वल है, और इसी तरह से ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये बी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे पी आर की जगह हम डी लिख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन बी, बी इधर चला जाएगा तो आर क्यू क्या हो गया बी कॉस थीटा। तो ये वाली जो लेंथ है आर क्यू, आर से लेकर क्यू तक वाली लेंथ जो है ये हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा। तो मुझे इस लाइन के अलावा मेरे को क्या करना है, मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर, मेरे को इन दोनों का जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन, हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी कॉस थीटा, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोल देते हैं। ए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ तो ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ये कितनी है बी कॉस थीटा, ये हमारे पास बन गया ए बी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर, बताइए जी समझिए। आप ये दोबारा देखिए कि हमें क्या करना है कि हम किसी एक वेक्टर को फिक्स कर देंगे और दूसरे वेक्टर को भी उसी वेक्टर पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि ए वेक्टर को फिक्स कर दिया, तो ए वेक्टर को फिक्स कर दिया, अब बी को ए पर ड्रॉप करो। अब अगर ऐसा ना होता हम ये कहते कि नहीं मैं तो बी को फिक्स करूँगा, तो हम क्या करते हैं ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो हमने ए को तो फिक्स कर दिया, और ये जो बी है यहाँ से हमने ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये एक ना राइट ट्राइंगल बन गया है, तो उसको मैंने पी क्यू और आर बोल दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉस थीटा निकालूंगा, मतलब कैसे भी करके मेरे पास ये आर क्यू की वैल्यू आ जाए, ठीक है। मैंने इसको फिक्स करा है ना ए वेक्टर, मेरे पास बस ये आर क्यू की वैल्यू आ जाए, तो आर क्यू की वैल्यू कॉस थीटा करके आ गई, हो सकता है कॉस थीटा करके ना आती साइन थीटा से आती, ठीक है, कॉस थीटा से आ गई, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है आर क्यू, हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका लेंथ कितना बी के बराबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन बी, आर क्यू कितना हो गया ये आर क्यू बी कॉस थीटा, और हमको क्या करना है इधर वाला मैग्नीट्यूड और इधर वाला मैग्नीट्यूड, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास ए और बी कॉस थीटा आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होकर आए हैं, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होकर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर आ गया हमारे पास रिजल्ट, और स्केलर प्रोडक्ट यही कहता है कि हमको स्केलर अगर आउटपुट चाहिए तो आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, यहाँ तक क्लियर। स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालना है कोई भी दो वैक्टर्स का और उनके बीच के हमको एंगल्स दे रखे हैं, तो आप क्या करें, पहले ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, वो तो हो गया ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मान लीजिए दे रखा है 2i² + 3j² + 4k का, तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर वो करा, उसका अंडर रूट करा, तो वो ए आ गया। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो निकाला, और कॉस थीटा दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको आसान वाला ही एंगल दे रखा होगा, जैसे 30°, 45°, 60°, ऐसा ही एंगल दे रखा होगा, ठीक है, ये करके आपको निकालना होगा। अब प्रॉपर्टीज देखिए इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर नॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर नॉट ए वेक्टर, एक ही बात,
तो एक ही बात है। अब देखिए अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूँगा तो भी क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा तो वही है, थीटा तो दोनों के पीछे अंदर तो सेम रहेगा, उसका कॉस भी सेम रहेगा, ए इंटू बी और बी इंटू ए तो बात तो यही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे, इनके बीच में एंगल कुछ बनेगा ही, यानी कि जीरो डिग्री जाएगा।
कॉस जीरो होता है वन, दैट्स वाई ये ई बी के इक्वल हो गया। कॉस 180 डिग्री ये वैल्यू आपने टेंथ क्लास में नहीं करी होगी, आप याद कर लीजिए इस वैल्यू को, ठीक है। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले बच्चे तो जान जाएंगे कि कॉस 180 कैसे निकाला जाता है माइनस वन। जो फिजिक्स वाले हैं वो याद रखिए बस कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया इस बार। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज यूनिटी। तो जैसे हमारे पास है आई कैप डॉट आई कैप, तो यूनिट वेक्टर हमने ले लिया आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन,
इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और cos 0, j cap dot j cap 1 cos 0, ऐसे ही k cap dot k cap ये हो जाएगा 1 और cos 0। देखिए जैसे यहाँ पर a वेक्टर डॉट a वेक्टर था, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर को हमने क्या लिखा कि इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड a, ऐसे ही i कैप तो क्या यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और cos 0 वैसे ही 1 होता है, ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर होगा। ठीक, तो ये हमेशा 1 के ही इक्वल आएंगे तीनों, ठीक है। मैं एक मिनट देख कर आता प्रॉपर्टीज कर लीजिए इसकी, बाकी भाई नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।